हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया साबूदाना वड़ा। तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। बहुत ही टेस्टी बना था। तो ये साबूदाना मैंने भिगोया है, इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रखा, तो बहुत सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद मैंने ली है मूँगफली, शेंगदाना जिसे बोलते हैं, और इसको मैंने थोड़ा सा भुना है, और भुनने के बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में। अब लिया है साबूदाना और 2 उबले हुए आलू। आलू को ज़्यादा उबालना है थोड़ा, ताकि एक बाइंडिंग आ जाए वड़े में। अब इसमें मिक्स करेंगे हरी मिर्च और ये ग्राइंड किया हुआ पाउडर। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जब हम वड़े की शेप दें तो अच्छे से बाइंडिंग आ जाए। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। चलिए वड़े बनाते हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा हाई पे नहीं करना है, वरना अंदर से फिर ये पक नहीं पाता है। तो मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। स्टार्टिंग में लो रखिए एंड देन मीडियम। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छे से पकाएंगे। और जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसके साथ खाने के लिए चाहिए चटनी, जो कि बनाऊंगी नारियल से। फास्ट में बहुत अच्छा लगता है। नारियल की चटनी के लिए नारियल लिया है, हरी मिर्च इसमें डालेंगे, साथ में हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, और अब इसमें पानी डाल के चटनी बना लेंगे। ये हमारी नारियल की चटनी रेडी हो गई है। तो चलिए सर्व करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी ट्राई करके देखिए और बताइए कि कैसा लगा।